भाई, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मरीजों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अस्पताल की व्यवस्था सही ना होने के कारण नारनौल के नागरिक अस्पताल में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी चरम पर है, अस्पताल मरीजों से खचाखच भरे हैं, सभी का हाल बेहाल है। जी हाँ, नारनौल के सरकारी अस्पताल में इन दिनों ओपीडी, अल्ट्रासाउंड सहित हर तरफ मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को अल्ट्रासाउंड विभाग के बाहर झेलनी पड़ रही है। ना ही बैठने के लिए बेंच है, ना ही कुर्सी है, और ना ही गर्मी से राहत के लिए पंखा है। घंटों जमीन पर बैठकर मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है। और यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, फैन नहीं है, चेयर नहीं है। महिलाएं, बच्चे वाले, लेडीज आती है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। कंजेस्टेड एरिया, बैठने के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। परेशानी हो रही, गर्मी का टाइम है, सुबह से भूखे हैं, खाली पेट सोनोग्राफी नहीं होती है वैसे, और छोटे बच्चों को छोड़कर आ रहे हैं, तो यह जान वालों को वैसे नहीं है कि सबको समान भाव से नहीं देख रहे हैं यार। अभी आपने सुनी मरीजों की आप बीती, तो वहीं जब इस बारे में असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के एम शर्मा से बात की, तो उन्होंने भी इस बात को माना कि अल्ट्रासाउंड विभाग के बाहर बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है कि अब इस टाइम काफ़ी गर्मी का सीजन चल रहा है, स्टार्ट हो गया अब, और मरीज भी काफ़ी आ गए हैं, और हमारे पास जो मशीन है, एक्टिंग मशीन जो है, वो इस टाइम एक है। तो पहली बात तो ये कहूँगा कि मरीज़ काफ़ी आ रहे हैं, तो जो पहले बेंचेस थी, अब वो बेंचेस कब पड़ रही है, तो हम बेंचेस भी लगवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। एक्स्ट्रा दो तीन बेंचेस जो है, 3 सीटर जो है, हम लगवा रहे हैं, और जहाँ पंखे की जरूरत है वहाँ पंखे भी हम जल्दी लगवा देंगे। भले ही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को सुधारने का दावा करते हैं, लेकिन नारनौल के नागरिक अस्पताल में मरीजों की परेशानी सभी दावों को खोखला साबित करती नजर आ रही है। जनता टीवी के लिए नारनौल से जुगनेंद्र कुमार की रिपोर्ट।